नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी और ये चर्चा पूरे देश में चल रही है, भारतवर्ष में चल रही है, ये चर्चा राजनीतिक क्षेत्रों में भी चल रही है, राजनीति में भी विभिन्न राजनीतिक दलों में भी चर्चा चल रही है, सामाजिक क्षेत्रों में भी चर्चा है और धार्मिक क्षेत्रों में भी चर्चा है। और वो चर्चा क्या है? वो चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं या हिंदी में समान नागरिक संहिता। अब जैसा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये इधर निकट भूत में कुछ समय पहले ये क्यों चर्चा का विषय एकदम से बढ़ा, ये राजस्थान की घटना थी, एक मीना समाज की घटना थी, जिसमें तलाक का मामला था, पति ने हिंदू मैरिज एक्ट से शादी के आधार पर तलाक मांगा था, लेकिन पत्नी ने ट्राइब के आधार पर कहा कि हमारे यहाँ तलाक अलाउड नहीं है, होता नहीं है, इसलिए हम तलाक नहीं देंगे। और वो मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में भी पहुँचता है और उसके जो निर्देश होते हैं कि नहीं साहब, स्टेट को चाहिए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, क्योंकि इस तरह की समस्याएं अभी भी पैदा हो रही हैं। अब हम 1950 में जब संविधान निर्मित हुआ तब की ओर भी जाते हैं, तब भी जो हमारे भारतीय संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसको नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, उसमें आर्टिकल 44 है, 44 में ये कहा गया है कि स्टेट को चाहिए, स्टेट को कंसीडर करना चाहिए कि वो अपने निवासियों के लिए एक तरह के कानून, सिविल कानून लाए, पर्सनल कानून एक तरह के हों। ये स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, नीति निर्देशक सिद्धांतों में था और उसके लिए जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनके समय भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन सारे समाज के लोगों में, सारे धर्म के लोगों में ये एक नहीं हो पाया था, एक सिविल कोड नहीं हो पाया था, और हिंदू और सिख और जो बौद्ध इनमें थे, इनमें शुरुआत में एक आधा अधूरा सिविल कोड बना था, बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में पूरी तरह से बन पाया था, शायद वो 2005 के आसपास था। अब इस बार जो चर्चा का क्षेत्र है वो ये है कि सभी जो छूटे हुए लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे हिंदुओं के कोई भी वर्ग, सब में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। तो ये तो विषय था कि क्या होना है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह का, किन कानून के लिए हो, वो है पर्सनल लॉज। अभी हिंदुओं के पर्सनल लॉज अलग है, मुस्लिम्स के अलग है, ईसाइयों के अलग है, और इस तरह से कुछ और वर्ग हैं जिनके अलग हैं। इनमें मुख्यतः आते हैं कि जैसे शादी विवाह, शादी विवाह के कानून, मैरिज जिसको कहते हैं उसके कानून, एक उसी का जो टूटने की स्थिति आती है जिसको तलाक कहते हैं, उसके लिए कानून। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत आता है गोदनामा, एडॉप्शन, उसका कानून। फिर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी के कानून, उसमें समाज के, परिवार के विभिन्न लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था की जाए,
प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में, विभाजन में, उसके काम। इस तरह से जो पर्सनल लॉज में कवर्ड हैं भी, चाहे वो मुस्लिम लॉ में हो, चाहे हिंदू लॉ में हो, चाहे अन्य ईसाइयों में हो, वो सब समाप्त करके और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए, कॉमन सिविल कोड हो जाए। और एक सिद्धांत भी है कि एक नेशन और एक लॉ, इसमें एक यूनिटी भी बढ़ती है, इंटीग्रिटी भी बढ़ती है कि हम एक तरह के सिविल लॉ में जी रहे हैं, रह रहे हैं। अब इसको एक दृष्टि से और देखना जरूरी है कि क्या भारत ही ये लागू करने की सोच रहा है, चर्चा कर रहा है, या दुनिया के अन्य देशों में इसमें कार्रवाई हो चुकी है या होने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर आज चर्चा इस समय अगर हम ना करें तो ये चर्चा अधूरी होगी। अब इसमें यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अमेरिका में जहां बहुत ही डाइवर्सिटी है, उनके जो राज्य हैं, स्टेट हैं, वहां का अलग अलग, यहां तक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मगर वहां पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ऑस्ट्रेलिया में है और इसी तरह के कई इस्लामिक कंट्रीज में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और भी कई देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो ये एक तरह का प्रोग्रेसिव लॉ है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए प्रोग्रेसिव लॉ है। उस देश की एक जो पहचान होती है, उस देश की एक एकता होती है, अखंडता होती है, उसकी भी पहचान है कि हमारे नागरिक एक हैं और एक तरह की समस्याओं में एक ही कानून के तहत वहाँ निर्णय होता है। अभी तक जब पृथक पृथक सिविल लॉज में निर्णय होता था तो छोटे स्तर पर भी जब कोर्ट कचहरी जाते थे तब वहाँ जो लोअर कोर्ट के जजेज हों या हाई कोर्ट के या ऊपर के जजेज हों, सुप्रीम कोर्ट में हों, तो वहाँ धर्म और वर्ग के आधार पर इस तरह की चर्चाएं, बहस में भी, आर्गुमेंट्स में भी होती थी। इसे ऐसा लगता था कि जैसे हम अलग अलग देश में, अलग अलग समाज में, बहुत ही विभेदकारी समाज में रहते हैं, जहाँ बिल्कुल सामाजिक विघटन जैसा है, अलगाववाद बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अलगाववाद की जो फीलिंग होती है वो बढ़ती है अगर पर्सनल लॉज, सिविल लॉज पृथक पृथक होते हैं। एक बात है कि स्वतंत्रता पर्सनल लॉज में धर्म के आधार पर, सेक्ट के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर लोगों को मिली होती है, मगर भारतीय संविधान में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 में था। इसका मतलब तब भी जो संविधान निर्माता थे वो समझते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अब 1947 में स्वतंत्रता मिली और इस समय 2022 है, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या जिसको आप समान नागरिक संस्था संहिता कहते हैं, ये पूरी तरह से न बन पाना और लागू न हो पाना, ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। मेरे विचार से ये बहस का मुद्दा है और इस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ये बौद्धिक आश्रम का मेरा विचार है, मेरा ये समाज की दृष्टि से विचार है, देश की उन्नति की दृष्टि से विचार है, देश की एकता के दृष्टि से भी विचार है, देश की अखंडता की दृष्टि से भी विचार है। लेकिन ये विचार चलना चाहिए। और एक मेरा सुझाव अवश्य है सरकारों को भी कि यद्यपि इसमें कॉन्क्रीट लिस्ट में है, कॉन्क्रीट लिस्ट वो होती है संविधान की जिसमें केंद्र को और राज्य दोनों को अधिकार होता है कानून बनाने का,
इसमें पृथक पृथक राज्य ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकता है। इसको कॉन्करेंट लिस्ट के होने के कारण ऐसा संविधान में दिया हुआ है। हमारे देश में गोवा एक ऐसा प्रदेश है जहां पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और वहां बहुत पहले जब गोवा मर्जर हुआ था तब से वो चल रहा है। तो अब क्या स्टेट अपना अलग अलग कानून लेकर के आए, एक मुद्दा, या केंद्र लेकर के आए? इसमें भी मेरा विचार है कि चूंकि यहां पृथक पृथक राज्य और खास रूप से पूर्वोत्तर राज्य भारत के, उनकी सामाजिक स्थितियां ऐसी हैं, तो कुछ हद तक प्रदेशों को भी चाहिए कि वो अपने राज्य के अनुसार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करें और उस ड्राफ्ट को तैयार करके पब्लिक डोमेन में लाएं और चर्चा का बहस का मुद्दा वहाँ हो और उसके बाद फिर कानून बनाने की स्थिति आए, वो फिर जो भी स्टेट असेंबली है या केंद्र में फिर संसद है वहाँ पर पारित करने की कार्रवाई विधिवत हो। तो केंद्र में भी कोशिश ड्राफ्ट के बनाने की हो और प्रदेशों में भी पृथक हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इस तरह की ड्राफ्ट फॉर्मेशन के साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अलग अलग पर्सनल ला के, कुछ एडवोकेट्स एक्सपर्ट हैं, कुछ भूतपूर्व जजेस भी हो सकते हैं, उनकी कमेटियां अगर बन जाती हैं हर स्तर पर और उनसे भी राय ले ली जाए, कुछ लायर्स हैं जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के कानूनविद हैं, उनकी कमेटी हो, इस तरह की जब इनकी कमेटियों की राय आती है तो ड्राफ्टिंग में कोई कमी की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो एक तो इन लोगों की ओपिनियन की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, तो एक प्रोसेस बहुत हेल्दी प्रोसेस हो जाएगा देश का कानून बनाने का, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो चूंकि विभिन्न धर्मों के लिए ये प्रभाव डालता है, तो जो विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु हैं, जो विद्वान हैं वहाँ के धार्मिक क्षेत्र के जो विद्वान हैं, उनकी भी कमेटियाँ बन जानी चाहिए और उनसे भी राय अलग अलग प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर ली जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यह प्रक्रिया जरूर चालू होगी, मेरी जानकारी में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में यह है कि यह प्रक्रिया चल रही है और राय लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इससे भागीदारी बढ़ती है। और अगर इतना विलंब हो चुका है 1947 से आज तक, तो चलिए कुछ और विलंब स्वीकार हो सकता है, लेकिन लोगों की भागीदारी बढ़ेगी इससे। तो एक तो चर्चा हुई कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक हमने चर्चा की कि क्यों लागू होना चाहिए और दुनिया के देशों में लागू है कि नहीं है, तो क्या का उत्तर हमने चर्चा में शामिल किया क्यों, और यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे लागू हो। तो कैसे में ये जो ओपिनियन, ये जो एक्सपर्ट कमेटी, ये जो विभिन्न बैठकों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्राफ्टिंग के समय तक और फाइनल स्टेज आने तक इस तरह की अगर हम प्रोसेस करते हैं तो एक बहुत ही स्वस्थ वातावरण है, पूरे देश में कहीं कोई विपरीत स्थिति नहीं पैदा होगी और बड़े ही सहयोगी भाव से एक दूसरे से, एक जो भारतीय नागरिक होने का एक गर्व होता है और जो लगता है कि नहीं वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, तो जो भारतीयता का गर्व है वो इस एक कानून लागू होने से, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से, समान नागरिक संहिता लागू होने से, या जिसको हम कॉमन सिविल कोड कहते हैं, लागू होने से बढ़ेगा। मेरी शुभकामना भी है
आप सबको, पूरे देश को, समाज को, कि इस तरह से भारतीय एकता और अखंडता में वृद्धि हो और हम सब मिलकर के पूरे समाज के विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग इस तरह की कोशिश करें और निकट भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में पूरे देश की ओर से सबको सहयोग की भावना से सरकारों के साथ जुड़ना होगा और अपनी पूरी राय देते हुए जो भी अपेक्षा आपसे की जाती है, हमसे की जाती है, उसको हम करेंगे। एवमस्तु, एवमस्तु, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।